हे गाइस, आज के हैं महल के पास और ये है नदी और ये रहा महल। देखिए गाइस, और यहाँ हर एक किसकी बस की बात नहीं है, जिसके जिगरा में दम होता है ना वो ही आता है। ये भूतिया महल है। यहाँ तक आने के लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये तो बात है भाई मेरे, किसी के बस की बात नहीं है। नॉर्मल रोड पे, सड़क पे कोई भी चल लेगा रास्ते पर। ऐसे रास्ते एक बार दिखा ना, कैसे रास्ते इधर जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। योग्य है भाई, योग्य है। सांप बिच्छू सब कुछ मिलते हैं रास्ते में। योग्य है, बालाजी की कृपा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आराम से आइए, बहुत बिंदास जगह है यार। किसी को आना है तो आप हमारे साथ आ सकते हो। चलो बढ़ते आगे की ओर, बढ़ते हैं महल की ओर। ठीक है, बने रहना वीडियो में एंड तक। इस बहुत गहराई है, मैं जा रहा हूँ अंदर। देखिए गाइस, अरे भाई आराम से आना, बहुत थोड़ी जगह है यहाँ, क्योंकि यहाँ भूतिया महल है। अभी मैं आपको बता नहीं पाया, इतना बड़ा सांप निकला था। अब क्या करूँ, मेरी खुद की फट गई थी, आपको वीडियो में कहाँ से दिखाता। बहुत खतरनाक जगह है और इस खतरनाक जगह पे आना हर एक किसी का बस का नहीं है गाइस। बालाजी सरकार की कृपा है और वो महल तक हम जाने वाले हैं कुछ ही पल में, और महल दिखाने वाले हैं आपको। गाइस पसीना पसीना हो गया, समथिंग 10 मंजिल से ऐसे नीचे उतर के आ रहे हैं। बहुत गहराई है, कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। अगर जिसके पिछवाड़े में होता है दम वही आता है यहाँ पर, नहीं कोई नहीं आ पाता। लोकेशन रहती है बैठ के पास में। ठीक है गाइस, और आगे दिखाने वाले हैं आपको वीडियो, वीडियो बने रहना एंड तक। चलो स्टार्ट। नदी है वाली, लोकेशन सही है कृष्णा। तो गंदा करीबन 1 किलोमीटर है यहाँ से वहाँ तक। ये महल के अंदर आ चुके हैं हम। ये कोई राजा थे, उनने रानी की याद में महल बनवाया था, और महल के जो नीचे है वो नदी है, और काफी सुंदर महल है। बीचा भी महल के बीचा बीच नदी चल रही है। और देखिए कैमरामैन जी, इधर घुमाइए, दिखाइए ना इधर जी। 1000 साल पुराना महल है गाइस। ये नदी आप देख सकते हो, ये ना नदी चल रही है। और ये भी देख सकते हो, इधर लाओ कैमरा, इधर से भी चल रही है। तो गाइस ये तालाब है, फिलहाल देखिए। तो ये रहा तालाब, ठीक है। मैं कह चुका रहा था, देख ये रहा पुल। देखिए ये पुल है, यहाँ से राजा महाराजा गुजरते थे और ये महल के अंदर सीधा प्रवेश करते थे। इधर थोड़ा घुमा दो, इधर घुमा दो महल के अंदर। देखिए गाइस, ये रहा है महल, ठीक है। अब बिल्कुल भी चलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, अपना लक्ष्य आपको दर्शन कराने का है। मैं आपको दर्शन करा के रहूँगा। इतनी घटियाई हैं, 4 किलोमीटर चलने में कम से कम नहीं तो 20 से 25 बार बैठे हैं, अभी भी पसीना पसीना। देख सकते हो साइड कनापे आ गई है,
लेकिन अपने साथ एक भाई है कातिया, उसके जरिए अपन जा रहे हैं, इसको सब कुछ नॉलेज है। कातिया क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहता भाई रे, सब इनका खेल है, जो बैठी हैं चार मूर्तियां। लेकिन भोले बाबा के भरोसे चल रहे हैं ना अपन। चल तो बोला शंभो। बोला शंभो, यही आके हैं, यही मंदिर पे रहते हैं, इनके जरिए अपन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरी जान ए टू जेड जो कुछ भी है मेरे अंदर सब इनके हाथ में, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर आ गया कहाँ नहीं, पर इतना पता है कि हस्तनापुर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर हैं और कम से कम 4 किलोमीटर तक तो ऐसे पैदल पैदल चढ़ के आया हूँ कि पैर ऐसे दर्द कर रहे हैं। कैसे दर्द कर रहे हैं देवी भाई बताएं? बहुत ज़्यादा यार, काफ़ी दर्द हो रहा है यार पैर में, ये लग रही है कि यहीं लेट गया। एक थोड़ा सा एक इसमें ऐसी वाला रोमांस डालते हैं, इनके पैर इतने दर्द कर रहे हैं, घर पे जाके भाभी दबाएंगी और ये मारेगा नहीं, जरूर दबाएगा।